शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक कमेंट आया था कि आज के कॉर्पोरेट टैक्स पे आपकी क्या राय है। तो दोस्त वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव। मंदी से उबरने के लिए मोदी सरकार 2.0 ने प्राइवेट सेक्टर को एक बड़ा बूस्टर दे दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स में 10% पॉइंट तक की कमी की है। इसकी वजह से सरकार के राजस्व में यानी कि उसके रेवेन्यू में 1.45 लाख करोड़ का नुकसान होगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा है। साथ ही मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में 3.5% पॉइंट तक की कटौती की है। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि सरकार के इन फैसलों के बाद क्या क्या असर होने वाला है और हमारी आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा, समझते हैं इसको पॉइंट वाइज सिंपल भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स पे सरकार ने बहुत बड़ी छूट दी है और कहा है कि डोमेस्टिक कंपनीज पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22% लगेगा। वहीं इसमें अगर सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद कंपनी को 25.17% टैक्स देना होगा। अभी तक इन्हीं कंपनी को 30-35% तक का कॉर्पोरेट टैक्स देना होता था। कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो कंपनियां जो भी कमाई करती हैं कॉर्पोरेट टैक्स उसी पर लगता है। इसके दायरे में प्राइवेट लिमिटेड या लिस्टेड या बिना लिस्टेड वाली कंपनियां इसमें आ जाती हैं। अब इस छूट के बाद कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम को कम कर सकती हैं क्योंकि वो अपने सेल्स को बढ़ाना चाहती है। जब सेल्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद होगी। साथ ही हम लोगों ने एक ऐसा दौर देखा है जहां पर लोगों को निकाला जा रहा है, कंपनियां छटनी कर रही हैं, तो फिलहाल ये सिलसिला थम सकता है, रुक सकता है। दूसरा अपडेट, इस नए ऐलान के बाद जो नए बिजनेसेस होंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। देखिए, 1 अक्टूबर 2019 के बाद जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सेटअप करेंगे, जो सेटअप करने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको 15% की दर से इनकम टैक्स देना होगा। वहीं सभी तरह के सरचार्ज और सेस लगने के बाद टैक्स जो रेट होता है वो 17.10% हो जाएगा। इससे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बूस्ट मिल सकता है, स्टार्टअप इंडिया वाले प्रोग्राम को भी बूस्ट मिल सकता है। अगर ये सब सही चलता रहा तो ऐसी सिचुएशन में रोजगार एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों की शिकायत सरकार से थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगला अपडेट यह आता है कि सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी कि MAT में एक राहत दी है। कंपनियों को अब मौजूदा 18.5% की बजाय 15% के दर से MAT देना होगा। अब MAT का कंसेप्ट आप इस एग्जांपल से समझिए कि MAT का कंसेप्ट है क्या और MAT कहते किसे हैं। दरअसल MAT उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा तो कमाती हैं लेकिन कई तरह के एग्जेम्पशंस की वजह से उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने निल टैक्सेबल इनकम दिखाती हैं। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एक कंपनी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, सितारे सही चल रहे थे, तो उसने अपने अकाउंट बुक में क्या दिखाया कि इस वक्त ज़्यादा मुनाफे के चलते उन्होंने डिविडेंड ज़्यादा दिया है, तो ये टैक्स चोर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो सरकार ने इसका भी एक रास्ता खोज निकाला, अब कंपनी की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और टैक्स देने से भी ये कंपनियां बच ना सकें। अब सरकार ने MAT कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसमें कहा गया कि कंपनी को अपने प्रॉफिट में से फिक्स परसेंट चार्ज देना होगा जिसे कहते हैं MAT, और ये सभी फॉरेन एंटिटीज भी इसमें इंक्लूड होती हैं MAT टैक्स में। अब क्या होगा कि अब कंपनियों को जो MAT है वो 18.5% की बजाय 15% देना होगा। अब इस छूट से फायदा किसको होगा? इस छूट से फायदा उन फॉरेन कंपनीज को भी होगा जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि उनके इंडिया से शिकायत यह थी कि भारत में बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट अपना कम कर रही थी या तो वे मार्केट से निकाल रही थी। अब जब सब चीजें अच्छी चलेंगी तो रोजगार भी बढ़ेंगे और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जुमला अभी दिखाई दे रहा है वो हकीकत बन सकता है अगर ऐसा हुआ तो। अगला अपडेट है, सरकार ने शेयर बाजार में निवेश करने वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको राहत देते हुए कैपिटल गेन पर जो सरचार्ज हटाने का ऐलान कर दिया है। और आप सभी को याद है कि 5 जुलाई को आम बजट में फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को झटका दिया था इस सरकार ने। इनके शेयर बाजार में निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज को बढ़ा दिया था सरकार ने। लेकिन अब इस फैसले का मतलब यह है कि अब जो लोग शेयर बेचने या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं उन्हें राहत मिलेगी। देखिए, कैपिटल गेन कहते किसे हैं? कैपिटल गेन तब होता है जब कोई इन्वेस्टर जब शेयर या म्यूचुअल फंड बेचता है
और उस यूनिट में जो उसको प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन। अब इसी पर सरकार सरचार्ज वसूलती है। अब सरकार ने सरचार्ज को हटा दिया है। अब ये लोगों को इनकरेज करेगा कि वो शेयर मार्केट में जाएं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपना करें, तो ये उनको प्रोत्साहित करेगा, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो कंपनियों की हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। साथ ही सरकार ने 5 जुलाई 2019 से पहले शेयर बायबैक का ऐलान करने वाले लिस्टेड कंपनियों पर बायबैक टैक्स से छूट देने का भी ऐलान कर दिया। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन कंपनियों को होगा जो शेयर बायबैक करती हैं। अब देखिए, कंपनी जब अपने ही शेयर इन्वेस्टर से खरीदती है, इस प्रोसेस को कहते हैं बायबैक। आमतौर पर यह तब होता है जब कंपनियों की बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा कैश होता है, तभी बायबैक पर जोर दिया जाता है। कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश का होना अच्छा नहीं माना जाता, जिसकी वजह से वो बायबैक के जरिए कंपनी के जो अतिरिक्त जो नकदी है, जो कैश है, उसका इस्तेमाल करती है। सरकार के इस बूस्टर डोज की वजह से कारोबार के दौरान शेयर मार्केट में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी आई। अब कारोबार के दौरान एक वक्त सेंसेक्स 2250 अंक से अधिक बढ़त देखी गई। अब कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1921 अंक उछल करके 38,034 के स्तर पे बंद हुआ था। वहीं निफ्टी भी 559 अंक की तेजी के साथ 11,264 पे रहा। मतलब शेयर बाजार के इस उत्साह की वजह से जो कारोबार के दौरान जितने भी निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको 7,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा हुआ है। तो दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, वहां जाइए, सपोर्ट कीजिए। INI न्यूज इंडिया पे टीम बनाया गया और ऐसी अच्छा काम करता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।